हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताता है। C++ में हमारे पास क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। हम देखेंगे कि जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मेंबर्स हैं, वो किस तरह से हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम किसी भी मेंबर का, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या डाटा मेंबर्स हो, उनका अगर हम एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते क्लासेस में, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट माना जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। क्लास के बाहर जाते ही वो मेंबर्स जो हैं, हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। हम जिन भी मेंबर्स को एक्सटर्नल यूज से बचाना चाहते हैं, हम वहां पर उस मेंबर्स को प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर विद इन अ प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। आप जिन प्रोग्राम को कहीं पर भी एक्सेस करना चाहते हैं विद इन फंक्शंस, आप वहां पर उस मेंबर को क्लास में जो है पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो इनहेरिटेंस में काम आता है, यानी कि अगर हम किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड मेंबर डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है उस क्लास में और उसके चाइल्ड क्लास में जो है यूज किया जा सकता है। चाइल्ड क्लास होता है डिराइव्ड क्लास, यानी कि जब हम एक क्लास से एक नई क्लास बना लेते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज हम चाइल्ड क्लास में भी कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अ पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन अ प्रोग्राम, यानी कि पब्लिक मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी उस क्लास में और उस प्रोग्राम में कहीं पर भी हो सकती है। अ प्राइवेट मेंबर, वेरिएबल और फंक्शन कैनॉट बी एक्सेस्ड और इवन व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि प्राइवेट मेंबर को एक्सेस सिर्फ क्लास में ही किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए अगर हम क्लास से बाहर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम वो काम फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट मेंबर्स को भी क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है अगर हम उसका यूज फ्रेंड फंक्शन में कर रहे हैं। फ्रेंड फंक्शंस जो हैं, हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको डिटेल में समझाएंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। बाद में आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स तो मैंने आपको बता दिया कि आप बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में आप उनका यूज कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का यूज हम इनहेरिटेंस के केस में करते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का एक एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम एक्सेस मॉडिफायर्स को स्पेसिफाई करते हैं। आपने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रख दिया बेस। आपने ओपनिंग ब्रेसेस लगाए, पब्लिक, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद आप कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन के बाद आप डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर देंगे जिन्हें आप पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर आप मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप कीवर्ड यूज करेंगे प्रोटेक्टेड, देन आप सेमी कॉलन लगाएंगे और जिन भी मेंबर्स को आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। और आप जिन भी मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहते हैं, उन्हें आप प्राइवेट कीवर्ड लगाएंगे, कॉलन्स लगाएंगे और आप उन मेंबर्स को डिक्लेयर कर देंगे। देन क्लास की क्लोजिंग ब्रेसेस होगी एंड देन सेमीकॉलन। इस तरह से हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते वक्त किसी भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट बन जाएंगे। ये C++ का एक रूल है। अब हमने अपने इस ट्यूटोरियल में आपको एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताया। देर आर बेसिकली 3 एक्सेस मॉडिफायर्स इन C++, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अगर आप मेंबर्स को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, तो आप क्लास और आउटसाइड द क्लास उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप बेस क्लास में और उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स को आप विद इन अ क्लास जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक्सेस मॉडिफायर्स को लेके अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक प्रोग्राम देखेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।